महानंदाई ने वैनगंगा रेगिस्तान में तब्दील नदी किनारे के गांव में जल संकट। भंडारा जिले में अल्प वर्षों के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ग्रीष्म काल में कभी नहीं सूखने वाली जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी मार्च माह में ही सूख गई है। इस कारण परिसर में पीने के पानी की आपूर्ति योजना एवं नदी के किनारे पर स्थित गांव के समक्ष जल किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। नदी में पानी नहीं होने से मछली का पालन व्यवसाय भी ठप हो गया है और मछुआरे बंधुओं पर आर्थिक परेशानी का सामना करने की नौबत आ पड़ी है। वैनगंगा नदी सूख जाने से उसका विशाल घाट जलापूर्ति योजनाएं ठप। नदी किनारे पर कई नल योजनाएं हैं। यहां से विविध गांव की जलापूर्ति योजनाओं को पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन नदी ही सूख जाने से जलापूर्ति योजना ही ठप सी हो गई है। नदी का प्रवाह पूरी तरह से खंडित हुआ है। इस कारण नदी किनारे पर शुरू नल योजना भी संकट में आई है। इससे कई गाँव में पानी की भीषण समस्या निर्माण हुई है। दूसरी ओर ट्यूबवेल व कुएं के पानी का स्तर भी नीचे चला गया है। कुछ कुएं भी सूख चुके हैं तो कुछ सूखने की कगार पर है। पानी के अभाव में ग्रीष्मकालीन फसल का सपना ही चूर चूर होता नजर आ रहा है। इस भीषण गर्मी के दिनों ग्रामीण लोगों को पानी की किल्लतें काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।